तो गाइस स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्लडलाइन के फ्यूचर के बारे में। जैसे कि हमने देखा नाइट ऑफ चैंपियंस में ब्लडलाइन टूट चुकी है, तो कई लोगों का ये सोचना था कि यार ब्लडलाइन में आगे क्या होगा, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बना ली जाए। तो गाइस अगर आप अपने किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके अपना टॉपिक लिख सकते हैं। बाकी ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रोमन रेंस का समर स्लैम तक का शेड्यूल सामने आ चुका है कि कब वो टेलीविजन पर आएंगे और कब नहीं आएंगे। और इस शेड्यूल को देखकर ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस टेलीविजन पर थोड़ा ज्यादा अपीयर होंगे। आने वाले स्मैकडाउन यानी 2 जून वाले स्मैकडाउन के लिए भी रोमन कंफर्म है। 16 जून वाले स्मैकडाउन में भी वो आने वाले हैं। बाकी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं और भी कई सारी ऐसी डेट्स है जहाँ पर रोमन रेंस अपीयर होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि रोमन रेंस आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट्स यानी मनी इन द बैंक और समर स्लैम दोनों में आने वाले हैं। तो ऐसे में मजा काफी ज्यादा भरपूर आने वाला है क्योंकि स्टोरी लाइन हमें ब्लड लाइन के अराउंड ही घूमते हुए नजर आएगी। तो गाइज अब अपने मेन मुद्दे पर आ जाते हैं यानी ब्लड लाइन का फ्यूचर क्या होगा। तो जैसा कि हमें पता है आने वाले स्मैकडाउन में रोमन रेंस अपीयर होने वाले हैं और उन्होंने ये पहले ही कंफर्म कर दिया था कि वो वहां पर अपने 1000 डे कंप्लीट होने का सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन अब जो नाइट ऑफ चैंपियंस में हुआ है उसके बाद तो मुझे लगता है रोमन रेंस कोई भी सेलिब्रेशन करेंगे, बल्कि मुझे लगता है वहां पर रोमन रेंस और दी उसोस की कन्फ्रंटेशन होने वाली है। क्योंकि दी उसोस एक ना एक बार ऐसी कोशिश जरूर करेंगे कि वो रोमन रेंस को समझा दें कि ये सब गलती से हुआ था और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको यहाँ पर दी उसोस खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे पर्सनली यहाँ पर नहीं लगता जिस तरह से दी उसोस ने पहले सोलो सिको की किक लगाई थी, इसके बाद जिमी उसो ने रोमन रेंस को किक लगाई थी, अब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि रोमन रेंस और सोलो सिकोवा समझने भी वाला है। लेकिन ये तो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि स्मैकडाउन पर हमें ये पता लग जाएगा कि अब चीजें कहां जाने वाली हैं। तो अब यहां पर सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस की बात कर लेते हैं। उनके लिए भी एक क्वेश्चन बनता है कि क्या अभी भी उनकी स्टोरीलाइन ब्लडलाइन के साथ चलने वाली है। तो अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि नाइट ऑफ चैंपियंस में सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस और रोमन रेंस की स्टोरीलाइन खत्म हो चुकी है। क्योंकि उस मैच में सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस जीत गए थे और वो वही जीत थी जिसे वो काफी समय से पाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में मुझे लगता है उनकी स्टोरीलाइन यहां पर खत्म हो चुकी है। और एक और चीज, सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस रॉबर्ट ड्राफ्ट हुए थे, तो ऐसे में मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें बार बार स्मैकडाउन पर लाने वाली है। और ये भी हो सकता है कि जो उनके पास अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स हैं वो रॉ पर ही रहे और डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें मर्ज कर दे और फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के लिए एक नई टैग टीम चैंपियनशिप लेकर आए। अभी ये सब तो कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है मैं आपको वही बता रहा हूं। क्योंकि अब सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस से उन अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स को अलग करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इससे अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यूई एक नया टाइटल ही लेकर आ जाए। आपका इस पर क्या ओपिनियन है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस अब ब्लडलाइन की यहां पर बात करें तो पहले ऐसे रिपोर्ट आई थी कि समर स्लैम में रोमन रेंस और सोलो सिकोवा फेस करने वाले हैं दी उसोस को। लेकिन अब एक और नई रिपोर्ट आई है जिसका कहना है कि रोमन रेंस और सोलो सिकोवा वर्सेस दी उसोस समर स्लैम में नहीं बल्कि मनी इन द बैंक में होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है समर स्लैम में रोमन रेंस जिमी उसो को फेस कर सकते हैं, वो भी एक 1-on-1 मैच में। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो भाई, क्योंकि मनी इन द बैंक समर स्लैम से बड़ा इवेंट तो नहीं है, इसीलिए मनी इन द बैंक में अगर रोमन का एक टैग टीम मैच भी होता है तो वो अच्छा ही लगेगा। लेकिन समर स्लैम एक बड़ा इवेंट है, वहां पर रोमन रेंस को अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड करना पड़ेगा। तो ऐसे में ये हो सकता है कि मनी इन द बैंक के बाद कुछ ऐसा हो जिसके बाद रोमन रेंस और जिमी उसो का एक 1-on-1 मैच सेटअप हो जाए, वो भी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और रोमन रेंस का मैच जिमी उसो के साथ होगा, ये मुझे इसीलिए लग रहा है क्योंकि जे उसो और रोमन रेंस का मैच पहले भी हो चुका है और वो स्टोरी लाइन काफी कमाल की चली थी। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इस बार बारी जिमी उसो की है और हमें यहाँ पर जिमी उसो और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन चलते हुए नजर आएगी। बाकी जे उसो अभी तो फिलहाल डरे हुए हैं, हमने देखा था नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद उनका रिएक्शन क्या था, उनके चेहरे पर ही देखकर लग रहा था कि उन्होंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जे उसो भी जिमी उसो के साथ ही आएंगे क्योंकि वही उनके असली भाई हैं। जब रोमन और जे उसो की स्टोरी लाइन में चली थी तब हमने देखा था कि जे उसो के साथ केवल जिमी उसो ही खड़े थे। तो ऐसे में मुझे लगता है जे उसो अपने भाई यानी जिमी उसो को अकेला छोड़ने वाले हैं, कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके वो जिमी उसो के पूरे सपोर्ट में आएंगे। इसके अलावा अगर हम सोलो सिकोवा की बात करें तो जब ब्लड लाइन टूट चुकी है तो मुझे लगता सोलो सिकोवा का अकेले रोमन रेंस के साथ रहना कोई भी सेंस बनाएगा। तो ऐसे में स्टोरी लाइन के आगे चलते चलते अब ऐसा नहीं होने वाला कि ये स्टोरी लाइन समर स्लैम में ही खत्म हो जाएगी, बल्कि ये भी हो सकता है कि ये स्टोरी लाइन साल के एंड तक या फिर अगले साल तक भी चल सकती है। तो ऐसे में एंड में मुझे ऐसा लगता है कि रोमन रेंस के कुछ ना कुछ स्टोरी लाइन सोलो सिकोवा के साथ भी चलेगी और फिर हमें सोलो सिकोवा वर्सेस रोमन रेंस का एक बहुत ही कमाल का मैच देखने को मिल सकता है। और उस मैच को मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी बड़े इवेंट में करवाएगी, जैसे सर्वाइवर सीरीज हो गई या फिर क्या पता हमें नेक्स्ट ईयर के रॉयल रंबल में वो देखने को मिल जाए। बाकी देखते हैं गाइस ब्लड लाइन के बीच में आगे क्या होता है। ऐसे कुछ भी हम अभी
कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन जो भी होगा ब्लड लाइन को देखने में हमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और अभी का टाइम WWE फैंस के लिए ऐसा है जिसमें उनकी चांदी चांदी है। तो गाइज आज की मेरी ये वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना आपके हिसाब से क्या जिमी उसो और रोमन रेंस का मैच होगा या फिर WWE फिर से जे उसो और रोमन रेंस का मैच करवाने वाली है। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।